इकरा स्वीट होम प्रोजेक्ट के बानी हुनैद लाखानी है। इकरा स्वीट होम 2013 में कायम हुआ और इसके क्याम का मकसद दुखी और बेसहारा बच्चों की न सिर्फ किफालत बल्कि उन्हें ऐसा घर फराहम करना था जहां उन्हें आम बच्चों की तरह जिंदगी गुजारने के लिए तमाम सहूलियात बेहतरीन अंदाज में फराहम की जाएं। इकरा स्वीट होम में रिहाइश पजीर ज्यादातर बच्चे सैलानी वेलफेयर की जानिब से रेफर किए जाते हैं। अच्छी और बुनियादी तालीम और तरबियत हर बच्चे का पैदाइशी हक है और वो भी बिना किसी तफरीक के। यही इकरा स्वीट होम का फलसफा और मकसद अजीम है। इकरा स्वीट होम मैनेजमेंट बोर्ड का मिशन यहाँ मौजूद बच्चों को बेहतरीन तालीम तरबियत, मजबूत इकदार, सालमियत और बेहतरीन नज्म व ज़ब्त का हामिल पाकिस्तानी शहरी बनाना है। हमारा अज़्म है कि यहाँ हर बच्चा अपने कदमों पर खड़ा होकर एक काबिले फख्र शहरी बने और मुआशरे में अपना मुकाम पैदा करे। इकरा स्वीट होम में बच्चों को रिहाइश, खाना, म्यूजिक, खेल, आईटी, रीडिंग लाइब्रेरी, दीनी तालीम, स्कूल ट्यूशन और दीगर तफरीही सहूलियात मुयस्सर हैं। इकरा स्वीट होम में सीखने का अमल सिर्फ किताबों तक ही महदूद नहीं बल्कि इन्हें मुख्तलिफ जावियों से जिंदगी के तमाम पहलुओं से उजागर किया जाता है, जिनमें नज्म व ज़ब्त, वक्त की पाबंदी, सफाई सुथराई, अदब व एहतराम, अच्छे आदाब जिंदगी, ईमानदारी, समाजी शऊर व जिम्मेदारी, इंसानियत की खिदमत और बड़ों का एहतराम शामिल है। इकरा स्वीट होम में बच्चों को एक शेड्यूल के मुताबिक चलना सिखाया जाता है जिससे उनकी जिंदगी में ठहराव और वक्त की पाबंदी का एहसास पैदा होता है। सुबह का आगाज नमाज फज्र और नाश्ते से होता है। इसके बाद स्कूल, दोपहर 2 बजे लंच टाइम होता है, 3 से 6 बजे तक मुख्तलिफ एक्टिविटीज जिनमें स्टडीज, आर्ट्स, म्यूजिक और खेलो तफरी की सरगर्मियाँ होती हैं। माशाल्लाह से इकरा स्वीट होम में अब 6 घर हो चुके हैं। एक घर में जो है 12 बच्चे और 2 मदर्स हैं और मदर्स आपके सामने बैठी हुई हैं। डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं। 2 घर जो है सिर्फ लड़कियों के लिए हैं और बाकी 4 घर जो हैं वो लड़कों के लिए हैं। फ्रॉम द एज ऑफ 4 टिल 12 डिफरेंट एज ग्रुप के बच्चे हैं जो आते हैं
और उनकी स्कूलिंग एंड खेल कूद तरबियत सारा कुछ जो है हमारी जिम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह वी डूइंग वेल। जो बड़े बच्चे हैं जो ग्रेजुएट कर गए उनको हम कैडेट कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं, फिर वहाँ से वो आगे कोई ना कोई सर्विसेज के अंदर चले जाते हैं। सो अल्हम्दुलिल्लाह सो फार इट्स डूइंग वेल। इंशाल्लाह 1000 बच्चों तक इसको लेके जाना है। डिनर यानी रात के खाने का टाइम 6:30 से 8:30 तक होता है, जहां स्टूडेंट्स अपनी सहूलत के मुताबिक डिनर करते हैं। बच्चों को फ्री टाइम या रिलैक्सेशन टाइम भी दिया जाता है, जहां बच्चे टीवी देखते हैं, एक दूसरे के साथ बातें या खेल वगैरह खेल सकते हैं। रात 10 बजे सोने का वक्त हो जाता है। इकरा स्वीट होम में लड़कों और लड़कियों की रिहाइश के लिए अलहदा यूनिट्स कायम किए गए हैं। हर यूनिट में एक हाउस मदर हर वक्त मौजूद होती है, जिनका काम एक हकीकी माँ का किरदार अदा करना और बच्चों को मोहब्बत और शफकत देना होता है। हाउस मदर की जिम्मेदारियों में हाउसकीपिंग स्टाफ की सरबराही करना, बच्चों की रोजमर्रा की रूटीन में उनकी मदद करना, उनके पहनने ओढ़ने का ख्याल रखना, बच्चों की होमवर्क डायरी रोजाना की बुनियाद पर चेक करना और फॉलो अप करना, बच्चों की सेहत और तबीयत का ख्याल करना और सबसे बढ़कर एक माँ की तरह बच्चों का भरोसा जीतना होता है। पढ़ाई के साथ साथ हम निसाबी सरगर्मियाँ, होम स्कूलिंग और ट्यूटर सेशंस का भी एहतमाम किया जाता है। इकरा स्वीट होम में मौजूद तमाम टीचर्स और स्टाफ बच्चों की खिदमत और फलाह बहबूद के लिए शबो रोज कोशा है। इकरा स्वीट होम में बच्चों के लिए मालूमाती और तफरीही फील्ड ट्रिप्स इकरा यूनिवर्सिटी होम का खासा है, जिसमें बच्चे न सिर्फ तफरीही सरगर्मियों में हिस्सा लेते हैं बल्कि ज़हनी हम आहंगी और मालूमाती मराहिल भी बखूबी तय करते हैं। हमारे बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, हमारा सरमाया हैं। दीन इस्लाम में यतीम और बेसहारा बच्चों पर शफकत करने वाले के लिए अजरे अजीम है और यही इकरा स्वीट होम का मकसद और मिशन है।